देखिए चाबी को ऑन करने के बाद सारे यहाँ पर आप इग्निशन दे देख पा रहे हैं। ये सब इग्निशन जलने के बाद या एयरबैग वगैरह सब सिग्नल बंद होने के बाद आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन होते हैं इग्निशन, आप इस तरह के जो देखिए यहाँ पर आ गए दो तीन, यहाँ ये बैटरी और ये एयरबैग, ये सारे इग्निशन इधर हट जाते हैं। ये हटने के बाद तभी आप इंजन को स्टार्ट करें, और इंजन को स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छी तरह से चेक कर लें आपका कार न्यूट्रल पे होना चाहिए। और ये ब्रेक पैडल जो देख रहे हैं, ये ब्रेक पैडल पूरी तरह से प्रेस होना चाहिए, तभी आपका गाड़ी स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल का निशान है, देखिए गाड़ी अभी स्टार्ट हो चुका है, ये बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और आप यहाँ पर ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये निशान ब्रेक है, ये हैंड ब्रेक होता है। ये हैंड ब्रेक लगाने से ये इसका निशान है, और जब भी हैंड ब्रेक को नीचे दे देंगे तो तभी ये देखिए ये निशान हट चुका है। और आपको ड्राइव मोड पे चलाना है तो ड्राइव मोड पे दे दीजिए, ये है ड्राइव मोड। ड्राइव मोड में देने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ड्राइव मोड आ गया, ये डी लिखा हुआ है। और ये आपको धीरे धीरे से ये जो एक्सीलेटर पेडल है आपको छोड़ना है। देखिए गाड़ी बहुत ही आसान से आगे बढ़ रहा है, देखिए आगे बढ़ रहा है, देखिए देखिए आगे बढ़ रहा है, बहुत ही आसान तरीके से आगे बढ़ रहा है। और ये बहुत ही अच्छा और कारगर तरीका है जो आप आसानी से कार को चला सकते हैं, बहुत ही आसान है ये ऑटोमेटिक कार को चलाना, बहुत आसान है, आप आसानी से चला सकते हैं। देखिए चल रहा है, ये ड्राइव बोर्ड भी है, ये यहाँ पर वन गियर में चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों कितने आसान तरीके से आप अपने गाड़ी को चला सकते हैं। मेरी वीडियो आपका अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए।